साला बचपन से जब छोटे थे तब अम्मा अब्बा से डर, थोड़ा सा और बड़े हुए स्कूल जाने का डर, अब स्कूल गए तो भाई प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने का डर, जैसे ही हम सेकेंडरी में आए तो अब ये डर स्टार्ट हो गया कि नाइन्थ में अच्छी परसेंटेज आएगी तो हम मैट्रिक में जाएंगे, और मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आने का डर तो फिर मैट्रिक की परसेंटेज डिपेंड होगी कि हम किस कॉलेज में जाएंगे, और जिस कॉलेज में गए जिस जो भी हमने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या कुछ भी चूज़ कर लिया उस पर हमारा फ्यूचर, उसका फ्यूचर का डर। फिर थोड़े से बड़े हुए जैसे ही हमारे पास बाइक आई गाड़ी आई हाथ में उसका डर कि साला बाहर जाएंगे और गाड़ी और बाइक लग गई तो घर पर आके अब्बा से डर। अच्छा भाई थोड़ा सा और ऊपर गए तो फिर यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया कि नहीं, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो फिर उसकी इतनी महंगी महंगी फीसें, सेमेस्टर कैसे निकालेंगे, सेमेस्टर में दो या तीन कोर्स में फेल हो गए तो फिर घर में अब्बा आके बोलेंगे बेटा दरख पे लगे हुए ना, दरख पे लगे हुए हैं, हराम का आ रहा है, हराम का आ रहा है, मैकेनिक बना दो इसको। हर बात पे डर। साला थोड़ा सा और गए कि अब यार अब तो ज़िंदगी अच्छी होने वाली है, अब यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, अब अपनी जॉब करेंगे गाड़ी लेंगे, अब फिर उस भी उस चीज़ का डर कि यार साला हम इस बाइक से अच्छी बाइक पे कब जाएंगे, छोटी गाड़ी से अच्छी गाड़ी में कब जाएंगे, और जो जॉब लगी हुई है अगर वो 25,000 की जॉब है तो हम मुझे ये बताइए कि मैं अपना फ्लैट कब लूँगा, मतलब उस 25,000 में, चलो 50,000 की जॉब करने में मैं एक छोटा सा फ्लैट कब लूँगा, और छोटा फ्लैट तो शुरू ही साला 50 लाख से होता है। अच्छा भाई अब घर बनाने का डर, जैसे थोड़े से और बड़े हुए कि यार चल यार छोड़ सब चीज़ों को, चल डॉलर कमाने चलते हैं, बाहर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आने का डर, क्या भाई वीज़ा कैसे लगेगा, और अगर वीज़ा लग गया तो भाई उसके बाद डर क्या वहाँ जाके क्या होगा, हमने तो वो दुनिया देखी नहीं, जैसे ही इस दुनिया में आए तो पहले ही उतरते हो हो लौंडे तो भाई डॉलर कमा रहे हैं वहाँ पे, पहले ऑलरेडी सोच चुके हैं वो लोग कि भाई अयाशी है, अब कोई डर नहीं है। जैसे यहाँ उतरे लॉन्डो को पहले ही दिन ही पता चल गया कि बेटा जॉब ढूंढो, अब जॉब ढूंढने का डर, जैसी जॉब ढूंढी तो भाई सेमेस्टर की फीस आ गई, अब सेमेस्टर की फीस का डर कि साला 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर देंगे कैसे, और जैसी 10,000 डॉलर सेमेस्टर की फीस दी उसके बाद ये डर कि साला कहीं फेल ना हो जाए। अच्छा भाई ये भी डर नहीं ख़त्म, चल भाई सेमेस्टर ख़त्म हो गया, फीस हो गई, जॉब लग गई, ओके अयाशी अब आएगी TR 2 साल की, इतना मंड के पैसे कमाएंगे ना, ओए होए होए, जैसी 2 साल की TR स्टार्ट हुई वैसे ही आपको ये डर हो गया कि अब 2 साल रह गए हमारे पास, इसके बाद अगर हमने PR अप्लाई नहीं की तो फिर अब नहीं हो सकता कुछ, जैसे ही 2 साल ख़त्म होने लगेंगे अब IELTS दो, PTE दो, 7 नहीं बल्कि 8 लेके आओ, 60 नहीं बल्कि 85 पॉइंट्स लेके आओ, उसका डर कि साला अगर ये 2 साल निकल गए तो फिर उसके बाद PR कैसे आएगी, और अगर PR नहीं आई तो फिर ख़त्म ना, 5 साल 7 साल जो लॉन्डो ने लगाया साले बाल सफ़ेद हो गए, बाल गिर गए, शादियाँ होके बच्चे हो गए, उनके पास तो अब दोबारा जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वापस कैसे जाएंगे, मर जाएंगे वो लोग तो साले। अच्छा भाई यहाँ पर डर, अब ये होगा कि भाई PR मिल जाए, PR मिल गई तो फिर हर बात में ये डर कि अब घर कैसे बनाएंगे, अब हम घर में फिर बच्चे हो गए, बच्चों का फ्यूचर कैसे है, अब हम उनके लिए ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, थोड़े से और बड़े हो गए बीवी बच्चे, अब माँ बाप का डर के पीछे वो लोग अकेले, वो लोग बूढ़े हो गए अब उनका क्या होगा, मतलब हर बात में डर डर डर, जब पैदा हुए उस वक्त से लेके आज तक डर, ज़िंदगी में सिर्फ डर डर, साला कहीं पर भी चले जाओ डर से ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब हमारे अंदर है कोई एक दिन एक वक्त ऐसा गुजर जाए जो किसी के डर से गुजरा ना हो, चाहे वो पुलिस का डर हो, चाहे वो प्यार करने वाले का डर हो, चाहे वो शादी का डर हो, चाहे मियाँ का डर हो, चाहे बीवी का डर हो, चाहे माँ बाप का डर हो, साला हर वक्त डर है दिल में, ये कैसे निकालेंगे डर भाई, आप मुझे बताओ, मुझे कोई बता दे, ये कोई नुस्खा बता दे, कोई गोली बता दे, कोई पैरामीटर बता दे कि भाई डर निकाल दो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इतने डर हैं, ज़िंदगी में डर हैं, पाकिस्तान इंडिया चाइना हर जगह डर है, तो कोई एक दिन ऐसा हम निकाल लेते हैं जिस दिन हम निकालें कि भाई आज हम डरेंगे नहीं, हम अयाशी से सुकून में सोएंगे। मैं जब यहाँ पर आया ऑस्ट्रेलिया में, मैंने यहाँ पर लोगों को देखा, उनके पास एक चीज़ सबसे अच्छी थी, उनके पास डर नहीं था, जिसके वजह से तुम मैं और इस पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस दुनिया में आके रहना चाहते हैं। तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है गाइस, अपनी ज़िंदगी को अगर चेंज करना है तो उसमें से डर निकाल दो, और वो डर ऐसे ही निकलेगा कि जब आप अपने उस डब्बे में, जिस डब्बे में रह रहे हो, उस डब्बे में से बाहर निकल के देखोगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, देखो ये मेरे पीछे कितनी दुनिया खूबसूरत है, यहाँ जो लोग रह रहे होंगे इनको डर नहीं है किसी चीज़ का, अयाशी करना है, खाना मिलना होगा मिल जाएगा, वरना ये लोग इतने सुकून से हैं, गवर्नमेंट इनकी हेल्थ पे करती है, इनकी स्टडीज़ पे करती है, इनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, ये डर नहीं है इनके दिल में। क्या आप और मैं
हम लोगों में किसी चीज़ की कमी है? क्या हमारी स्किन ब्राउन है तो हम लोग डरेंगे ज़्यादा, या हमारे मुंह पे बाल ज़्यादा हैं तो इसलिए हमें डरना चाहिए? मतलब यहाँ पर हम लोग आए, और मैं उन सब लोगों को ये बोलूँगा कि भाई अपने डर से बाहर निकलोगे तो ही जीत है। वो लोग जो दुनिया में कामयाब हुए या हो रहे हैं या होंगे, उन्होंने एक चीज़ को स्टॉप कर दिया, वो है डर। जिस दिन आपने डर ख़त्म कर दिया अपनी दुनिया से, अपने दिमाग से, उस दिन आप जीत लोगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि आफ्टर लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स, एक दिन हफ्ते में कोई ऐसा दूंगा जिस दिन मैं डरूंगा नहीं, रिलैक्स, इन्जॉय। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आप अपना डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपको अगर ऑस्ट्रेलिया आना है, इतनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है, तो आपको अपने अंदर से डर निकालना होगा, और वो डर के आगे ही जीत है। मुझे आप सब लोग ये बताएं कि कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आप ज़िंदगी जिए हों विदाउट एनी डर। तो मैं आप सब लोगों से ये बोलूँगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट प्लेस, कि यहाँ पर आओ, इन्जॉय करो लाइफ, और यहाँ के कल्चर के अंदर से ये जो डर ख़त्म किया हुआ है इन लोगों ने, यही चीज़ अपने मुल्क में लेके जाओ और उन लोगों को बताओ कि भाई डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। खूबसूरत ज़िंदगी है, इसको और ख़ूबसूरत बनाओ और आओ यहाँ पर इन्जॉय करो। मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि मेरी कोई भी बात, मैं जिस बात पे भी बोल रहा होता हूँ, जो भी कुछ कर रहा होता हूँ, अपने ऊपर पहले एक्सपीरियंस करता हूँ फिर बताता हूँ। मैं आज यहाँ देखें रिलैक्स अकेला आया हूँ, मेरे पीछे ये गाड़ी खड़ी हुई है, सोचा डर ख़त्म करूँ, डर नहीं है आज, रिलैक्स मैं बैठा हूँ यहाँ पे आधे घंटे से, एक घंटे से, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई डर ख़त्म करोगे तो उसके आगे जीत है, और जिस दिन आपने डर ख़त्म कर दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में आके, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं घर होगा आपका। देख रहे हो, वो देख रहे हो, वो दो चार घर बने हुए, उनके पास हो सकता है यहाँ पर वाईफाई ना हो, लेकिन उनके पास डर नहीं है। तो भाई अपनी ज़िंदगी बनानी है, आगे बढ़ना है, तो उस डर को ख़त्म करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मेरी बात कोई बुरी लग गई हो तो आई एम सॉरी, प्लीज़, एंड इन्जॉय द व्यू। ये इंस्पिरेशन है मेरे लिए और आपके लिए। ये मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह एक दिन यहाँ पे, क्योंकि मुझे या दो जगह पसंद है, या तो समंदर के किनारे पे, या फिर ऐसा लैंडस्केप हो जहाँ पे घर लो। तो दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।